हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे द मोस्ट पॉकेट फ्रेंडली बजट हैंडसेट के बारे में। एक ऐसा बजट हैंडसेट है जो आप जिस सेगमेंट में, मतलब अप्रोक्स 10-15,000 सेगमेंट में बहुत बढ़िया हैंडसेट है। रियलमी का C55 इस रेंज में बहुत अच्छा हैंडसेट है, बहुत अच्छा कॉन्फिगरेशन के साथ। चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इस हैंडसेट का अनबॉक्सिंग करते हैं। चलिए हैंडसेट को ओपन करते हैं, बॉक्स को। C55 कौन सा कलर है? सन सावर कलर का है। ये छोटे से बॉक्स है, इसमें क्या है? यहाँ पर सिंपल किट है, यहाँ पर ये कुछ रीडिंग मटेरियल और ये है टीपीयू कवर। आगे से और बेहतर हो गया है। अब ये रहा हैंडसेट, वो लुक अट्रैक्टिव है बहुत। चलिए इसको बात में देखेंगे अब और देखते अंदर और क्या है। यहाँ है चार्जर है, ये 33 वाट का सुपर वोक चार्जर है। और ये आपका केबल है, ये आपका टाइप ए टू टाइप सी केबल है। चलिए इसे हटाते देखते हैं, चलिए देखते हैं हैंडसेट को, हैंडसेट कैसा है। फ्रेंड्स, अगर लुक की बात करें तो इसका लुक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत सुंदर लुक है इसका। चलिए हम देख लेते कुछ क्लोजअप लुक इस हैंडसेट के। अब अगर बात करें इस हैंडसेट की हैंड फीलिंग की, तो वेट बहुत ज़्यादा वेट नहीं है इसका। वेट अप्रोक्स 190 ग्राम का है और जो थिकनेस है तो 7.89 mm का थिकनेस है। तो मैं कहूँगा कि रियलमी ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है, इस रेंज में इसका वेट और थिकनेस काफ़ी अच्छा है। चलिए देख लेते हैं इस हैंडसेट का पोर्ट्स एंड बटन्स। अगर राइट साइड की तरफ देखें तो यहाँ दिया गया है पावर बटन, जो साइड वहाँ पर फिंगरप्रिंट भी है, उसके ऊपर दिया गया वॉल्यूम रॉकर। ऊपर की तरफ देखें तो ऊपर पूरा क्लीन रखा गया है, लेफ्ट साइड भी पूरा क्लीन है। फिर एक सिम टू की सिम, ये सिम टू का जगह है, वो देखते हैं अपने ये सिम हाइब्रिड सिम है कि नॉन हाइब्रिड सिम है। और नीचे की तरफ देखें तो आपको मिलता है 3.5 जैक, इसके बगल में प्राइमरी माइक्रोफोन, इसके बगल में टैक्सी चार्जिंग पोर्ट, उसके बगल में आपका स्पीकर ग्रिल। तो देख लेते हैं सिम टू में, सिम टू में क्या है। यहाँ आपका आता है 10 स्लॉट, तो 2 सिम कार्ड लगा सकते हो आप, मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हो आप। बात करें हैंडसेट डिस्प्ले की, तो इसमें दिया गया 6.72 इंच का फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले, जिसका रिफ्रेशिंग रेट 90 हर्ज का है और टर्न सैंपलिंग रेट 180 हर्ज का दिया गया है। इसका जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो 91.4% का है। इसका जो स्क्रीन ब्राइटनेस है, पीक ब्राइटनेस, वो आपका 680 नीट्स का है। अब इस डिस्प्ले की खास बात ये जो मुझे अच्छा लगा वो ये है, ये आपको डिस्प्ले पंच होल कैमरा सा डिस्प्ले है, पर इस पंच होल में एक मिनी कैप्सूल भी है। जैसे एप्पल में डायनेमिक आइलैंड है ना, उसी तरह से मिनी कैप्सूल है। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा फीचर्स तो नहीं दिया फिलहाल, अभी कुछ कुछ फीचर्स दिया है, जैसे मैं कुछ बता देता हूँ आपको। जैसे इसमें जो मिनी कैप्सूल है, इसमें आपको दिखेगा बैटरी यूजेज क्या है, प्लस आपको दिखेगा इसमें आपका डाटा यूजेज क्या चल रहा है, बैटरी स्टेटस दिखेगा, और आपको दिखेगा इसमें दिन भर का वर्कआउट, मतलब रात को जाते हो रात को दिखाएगा आपको सारा दिन आपको कितना वॉक किए, कितना रन किए, कितना कैलोरी बर्न किया, वो आपको दिन भर का आपको स्टेटस में दिखाएगा। अब अगर बात करें इसकी परफॉर्मेंस की, तो इसमें दिया गया मीडियाटेक का G88 का प्रोसेसर दिया गया, जिसका जो 12 NFC से बेस्ड है, और जो क्लॉक स्पीड है वो उसका आपको 2 GHz का क्लॉक स्पीड है। ये एक एवरेज प्रोसेसर है, इसमें हम अगर गेम खेलना हो तो गेम खेल सकते हो, COD या फ्री फायर गेम आराम से खेल सकते हो, जो मीडियम सेटिंग या लो सेटिंग में खेलने से बेहतर चलेगा। अब अगर देखिए कैमरा की तरफ इसका, तो इसमें दिया गया डुअल कैमरा सेटअप, जो मेन कैमरा 64 MP का है, जो दूसरा कैमरा वो 2 MP का है। इसका जो फोटो है डी लाइट में काफ़ी अच्छा है, नाइट में एक एवरेज फोटो आता है, बट डी लाइट में बहुत अच्छा फोटो है। अब अगर सेल्फी कैमरा की बात करें, तो इसमें दिया गया 8 MP का सेल्फी कैमरा, जो बहुत बेहतरीन कैमरा है इस रेंज में।
शूट कर रहा है। अच्छा है खराब ये। अब अगर बैटरी की बात करें तो सैमसंग में दिया गया 5 mAh का पावरफुल बैटरी दिया गया है, और जो चार्जिंग सपोर्ट है वो 33 वाट का सुपर वोक चार्जिंग सपोर्ट है, जो आपको इनबिल्ट मिलता भी है, जो आपको बॉक्स में इनबॉक्स है। ये हैंडसेट 3 वेरिएंट में अवेलेबल है मार्केट में। जो पहला वेरिएंट बेस वेरिएंट वो 4GB 64GB का है, मतलब 4GB RAM 64GB ROM के साथ। तो दूसरा वेरिएंट है आपका 6GB RAM 64GB ROM के साथ, और जो थर्ड वेरिएंट है आपका जो अपर वेरिएंट है वो आपका 8GB RAM 120GB ROM के साथ आता है। और ये हैंडसेट आपको मिलता है 2 कलर में। पहला है सनसावर जो आप देख रहे हो, और दूसरा है रेनी नाइट। अब अगर कनेक्टिविटी बात करें तो ऑब्वियसली 4G हैंडसेट है, वाईफाई भी है, सब ब्लूटूथ 5.2 का है, मैक्सिमम सारे सेंसर जिसमें है, फिंगरप्रिंट भी है, ये फेस अनलॉक भी है, सब कुछ इसमें दिया गया है। अब अगर बात करें OS की तो इसमें दिया गया है रियलमी UI 4.0 जो रन करता है एंड्रॉयड 13 के ऊपर। सो फ्रेंड्स, ये था रियलमी का C55 हैंडसेट। आपको हैंडसेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्द मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।